हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अल्टीमेट हिंदी सिप टिप्स। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा कि अनसपोर्टेड पीसी और कंप्यूटर में आप विंडो 11 को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरा मैकबुक एयर है और इसमें अनसपोर्टेड यह है विंडो 11 और टीपीएम सपोर्ट नहीं करता, इसमें टीपीएम ऑन नहीं होता। तो उसके लिए आप पहले चेक करेंगे अपना पीसी का हेल्थ के लिए। चेक करने के लिए आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए, मैंने डाउनलोड किया और यहाँ पर मैं रन करूँगा सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर रन करने के बाद जो है टीपीएम का जो एरर आ रहा है वो यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे जो एरर आएगा वो बताएगा, अभी अनसपोर्टेड है। यहाँ पे मैंने लॉन्च पे क्लिक किया और देखिए यहाँ पे चेक नाउ पे क्लिक किया और यहाँ पे बता रहा है कि यूर पीसी डज नॉट सपोर्ट करंटली मीट विंडो 10 सिस्टम और रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे बता रहा है कि आपको ये जो सिस्टम है इसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो विंडो 11 के कंपेटिबल नहीं है, क्योंकि इसमें TPM 2.0 वर्जन सपोर्ट नहीं हो रहा और ना ही PC की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सपोर्ट नहीं हो रही, जबकि ये Core i5 फोर्थ जनरेशन 1.4 GHz है। तो इसमें कैसे इंस्टॉल करेंगे, ये एक अनसपोर्टेड हो चुका है अपना क्या कहते हैं PC और लैपटॉप जो भी है अनसपोर्टेड है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे इसमें इंस्टॉलेशन करेंगे, तो इसी वीडियो में यही मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देते हो। तो देखिए, मैं इसको भी कैंसिल कर देता हूँ, आप भी चेक कर सकते हो मैं पीसी के हालत, इसको भी कैंसिल कर देता हूँ। अभी मेरे पास दो है यहाँ पे, एक है विंडो 11 जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कैसे डाउनलोड करना है, और ये है विंडो 10 जो भी लेटेस्ट है। तो इसको हम दोनों को आपस में मॉडिफाई करेंगे और इसके थ्रू हम इसको इंस्टॉलेशन जो इसकी करेंगे। तो मेरे पास है एक 32 GB की USB 3.1, तो इसको मैं इसमें लगाकर पहले तो मैं यहाँ पे विंडो 10 का एक बूटेबल क्रिएट कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ और यहाँ पे देखिए मेरे पास आ चुकी है पेन ड्राइव, ये डिटेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे एक रूफ सॉफ्टवेयर ये आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, आराम से मिल जाएगा आपको। इसको डबल क्लिक करना है, आपने डबल क्लिक, जैसे ही आप इसको डबल क्लिक करोगे यहाँ पे सेटअप पूछेगा, तो हम यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे ये अपडेट को बता रहा है हम नो कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 32 GB की जो USB है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट पे क्लिक करके जो ISO फाइल है डेस्कटॉप पे पड़ी है विंडो 10 की, एक एक स्टेप ध्यान से देखना, उसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इसको GPT रहने देंगे और GFI रहने देंगे और इसको हम NTFS में फॉरवर्ड करके स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम ओके करेंगे, डाटा बता रहा लॉस होगा, तो यहाँ पे हम डाटा लॉस हो जाएगा और यहाँ पे बूटेबल क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए विंडो 10 का बूटेबल जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे हम वीडियो को कर देता हूँ पॉज, जब बूटेबल बन जाएगा उसके बाद बताऊँगा आपको क्या करना है। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रोसेस जो कंप्लीट हो चुका है, जो विंडो 10 थी वो बूटेबल बन चुकी है। देखिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं और उसके बाद इसको भी हम क्लोज़ कर देते हैं। अभी जो फाइनली ये USB है वो अपनी विंडो 10 में यहाँ पे बूटेबल बन चुकी है, ये विंडो 10 है। तो अभी यहाँ पे करना क्या, यहाँ पे इसको साइड पे करते साइड में और यहाँ पे विंडो 11 जो है इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया और इसको भी हम साइड पे करते हैं, ये है विंडो 11, तो ये है जो है USB। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोर्स फाइल, पहले तो हम जाएंगे USB में, जो यहाँ पे हमारी USB F ड्राइव को उसके हम सोर्स फाइल में जाएंगे और यहाँ पे हम जो जाएंगे इंस्टॉल फाइल होगी install.vim, ये रही। तो इस फाइल को हम पहले डिलीट करेंगे, यहाँ पे यहाँ से हमने इसको डिलीट कर दिया, यहाँ पर डिलीट होगी। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे विंडो 11 का सोर्स फाइल है इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम फिर वही इंस्टॉल विम जो फाइल है उसको हम यहाँ पे ढूंढेंगे। तो देखिए यहाँ पे है install.vim, तो इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ पे और इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ पे, मैंने कॉपी किया और यहाँ पे हम इस USB ड्राइव में हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पेस्ट होने लग गया। अगर आपके पेस्ट नहीं हो रहा तो आप चेक कर लें कि आपकी जो पेन ड्राइव वो NTFS में होनी चाहिए, क्योंकि जो फैट है वो 4 GB के करीब ये सपोर्ट नहीं करेगा। ये लगभग 4-4.5 GB की जो फाइल होगी उसके बाद ये बूटेबल यहाँ पे 11 का जो 10 में 11 में कंपैटिबल मॉडिफाई हो जाएगा, क्योंकि जो 11 की जो इंस्टॉल विम फाइल थी वो मैंने 10 में मॉडिफाई कर दी है। तो अभी हम यहाँ पे इस कंप्लीट होने के बाद हम इंस्टॉलेशन यहाँ पे करके देखेंगे कि हमें कोई दिक्कत आ रही है या नहीं। तो अभी इसको कॉपी होने देते हैं, उसके बाद मैं वीडियो करूँगा लेकर। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने USB लगा दी, अभी देखते हैं कि जो मैंने मॉडिफाई की है USB वो वर्क कर रही है विंडो 11 में या नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे विंडो और यहाँ पे मैंने एंटर किया,
और यहाँ पे विंडो 10 सेटअप को इंस्टॉल किया। बेसिकली जो विंडो 10 थी उसमें हमने जो इंस्टॉल डॉट वीम फाइल थी वो 11 वाली उसमें डाल दिया विंडो 10 में, तो देखते हैं अभी जो यहाँ पे वर्क कर रहा है या नहीं प्रॉपर। तो यहाँ पे बूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये इंस्टॉल होता है या नहीं। तो अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल ऑन कर लें। तो अभी देखिए यहाँ पे बूट हो चुका है, ये सिंपली विंडो 10 के जैसा बूट हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे वेलकम स्क्रीन आएगी, देखते हैं। तो ये पेंड्राइव यहाँ पे लगी हुई है, आप देखिए ये जो मैंने बूटेबल बनाया था यहाँ पे वेलकम स्क्रीन आ चुका है। ये अनसपोर्टेड विंडो अनसपोर्टेड हार्डवेयर है जिसमें विंडो 11 जो ऑफिशियल है वो इंस्टॉल नहीं होगी, इसको मॉडिफाई किया मैंने। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। सेटअप इज स्टार्टिंग, अभी यहाँ पे आई डू नो हट अप है प्रोडक्ट की, और देखिए यहाँ पे सभी आ चुका है। यहाँ पे विंडो 11 होम, विंडो एन, विंडो सिंगल लैंग्वेज, विंडो प्रो। तो यहाँ पे हम सिंपली प्रो पे क्लिक करते हैं और इंस्टा नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, आई एक्सेप्ट नेक्स्ट कस्टम। देखिए यहाँ पार्टीशन आ चुका है, यहाँ पे टीपीएम का कोई एरर नहीं आया, जो टीपीएम अनसपोर्टेड बताता था ए के वाई का एरर आता है यहाँ पे वो नहीं आया। तो यहाँ पे हम इसको डिलीट करेंगे, हम इसको भी डिलीट करेंगे और यहाँ पे एक नया पार्टीशन मैं क्रिएट करूँगा और अप्लाई पर क्लिक करके ओके करूँगा। तो उसके बाद हम इसको क्लिक करके अभी नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे जो फाइल की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे हम इसको वेट कर लेते हैं, देखते हैं ये प्रॉपर विंडो 11 में आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे फाइलें इंस्टॉल हो रही, तो मैं वीडियो को यहाँ पे कर देता पाउज़। तो एक बार आप चेक भी कर लीजिए, मेरा है लैब केयर का मदरबोर्ड, इसमें टीपीएम वगैरह सपोर्ट नहीं करता, ये हार्डवेयर कंपेटिबल नहीं है विंडो 11 के लिए। और इसमें जो प्रोसेसर है वो फर्स्ट जनरेशन है, कोर i3 4GB का रैम लगा हुआ, और यहाँ पे वो बूटेबल पेन ड्राइव मैंने लगा रखा है HP का, जो मैंने अभी इसको मॉडिफाई किया है। तो अभी ये इंस्टॉलेशन हो रही है, तो यहाँ पे हम इसको वेट करते हैं और जब ये प्रॉपर इंस्टॉल हो जाएगा फिर मैं आपको इसका लुक दिखाऊंगा भी, इसमें प्रॉपर विंडो जो 11 वर्क कर रहा है या नहीं। तो वीडियो में बने रहे। तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे मैं कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ, यस करता हूँ और यहाँ पर फिर से मैं वेट करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर यस करता हूँ और स्किप करता हूँ, और यहाँ पर देखिए जी आई डू नॉट हैव इंटरनेट, कंटिन्यू विद रिमोट लाइट्स, और यहाँ पे मैं जो नेम देता हूँ नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ नेक्स्ट, ये सभी मैं टिक हटा देता हूँ यहाँ पे सॉफ्ट। तो देखिए जस्ट ए मोमेंट, तो ये वही मदरबोर्ड, देखिए ये वही पेन ड्राइव है, सब कुछ वही है आपके सामने जो इंस्टॉलेशन हो रही है। तो यहाँ पे हम वेट करते हैं थोड़ा सा, मैं आपको इसका जो वेलकम स्क्रीन है वो दिखा देता हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें इस मेरी मेहनत के लिए। तो मैं इसको आपको प्रॉपर इसलिए दिखा रहा हूँ भी कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आ रही, पूरी प्रॉपर यहाँ पे कोई एरर भी नहीं आ रहा, प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हुई है ये। तो हम यहाँ पर करते हैं वेट थोड़ा सा, तो देखिए देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट देयर, तो अभी इसके बाद ये रेडी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑन हो चुका है, वेलकम स्क्रीन भी आ चुकी है और यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ देखिए, और विन वर्की कमांड लगाकर आपको वर्जन भी दिखा देता हूँ इसमें कौन सा है। देखिए इसमें BHZ बता रहा है और ये विंडो 11 प्रो, देखिए विंडो 11 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम और 21H2 इसका वर्जन है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर भी आप भी अपने PC और लैपटॉप में इंस्टॉल करना चाहते हैं जो कि विंडो 11 सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रकार से आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।